हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीआरके वीडियोस में। यदि दोस्तों मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल जीआरके वीडियोस में। फ्रेंड्स, अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर क्लिक कर दीजिए। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपने मेरे यदि पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने किस तरह से आपको बताया था आप घर बैठे बैठे आपके मोबाइल से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे घर बैठे बैठे अप्लीकेशन से ही आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ से सीधा पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। फ्रेंड्स, कुछ अप्लीकेशन का डिटेल मैंने यहाँ पे दिया है तो आप प्लीज़ ये वीडियो को एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके आप एक बार नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। आपको सभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ अच्छे वीडियो यहाँ पे मैंने बनाए फ्रेंड्स और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ से 10,000 से लेके 5,00,000 तक के भी इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे भी लोन दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स, मैं आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये भी इंस्टेंट पर्सनल लोन है। आप किस तरह से घर बैठे बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो वो एप्लीकेशन का नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो वो एप्लीकेशन के लिए फ्रेंड्स सीधा प्ले स्टोर चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे आते हैं, वो एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। वो एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड्स CashNow, ठीक है। जैसे ये फ्रेंड्स एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है, इसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे अभी सीधा ओपन करता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन का कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये अभी करंटली 5 सिटीज़ में वर्किंग है, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे एंड चेन्नई, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आप ये सिटी से बिलोंग करते तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैं अभी ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनको 20,000 मंथली इन हैंड सैलरी चाहिए जो बैंक में डिपॉजिट होती है, ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया इनको 23 इयर्स चाहिए और बिलो 55 इयर्स, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट आप इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आप इन्हें दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन का डिटेल्स है। अभी ये वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक के पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अभी इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसे ओपन करते हैं, आप यहाँ पे एक इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे गेट द कैश यू नीड इन जस्ट 3 स्टेप, अवेल लोन अप टू 1,00,000। आप यहाँ पे 1,00,000 तक के पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे आपको यहाँ पे एग्री करके कंटिन्यू विथ फेसबुक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ फेसबुक कर देते हैं, आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। मैं अभी इसे अभी कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। वी नीड योर मोबाइल नंबर टू कंटिन्यू, ठीक है। उसके जैसे ही आप यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन कर देते हैं, आपको आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है जिसका एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के ओटीपी फिलअप करके सबमिट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी सबमिट किया तो ये इंटरफेस आया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बता रहा है कि आप 5,000 15 डेज़ तक के यहाँ से ले सकते हैं। आप अभी यहाँ पे क्विक अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, मैं अभी इसे पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके हिसाब से लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, ठीक है। आप 1,00,000 तक के यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे
फ्रेंड्स देखिए आप, लेकिन ये जो लोन टेनर है फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 डेज़ तक के मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, 7 डेज़ और 14 डेज़ तक की। यदि आप बड़ा लोन लेते हैं तो इस यहाँ से कुछ आपका लोन टेनर भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यदि आपकी कैपेसिटी है आप 7 या 14 डेज़ में यहाँ से लोन पे कर पाएंगे तो ही आप यहाँ से लोन लीजिए, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4,000, 6,000, 8,000, यहाँ पे 1 लाख तक के आप लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी सीधा अप्लाई नाउ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माय अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, माय अकाउंट डिटेल्स में फ्रेंड्स यहाँ पे लोन हिस्ट्री सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है लोन हिस्ट्री, यहाँ पे मेरा अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी यहाँ से कोई लोन नहीं लिया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे माय प्रोफाइल, माय प्रोफाइल में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका मैरिचुअल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेसिडेंस सिटी, कौन से सिटी में आप रहते हैं, लैंग्वेज, ठीक है, और रीजन, ठीक है, आप कौन से धर्म के, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट डिटेल, आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी डिपॉजिट होते हैं वो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, आपके बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी से, और आईएफएससी कोड, ठीक है, जो आपका चेक के ऊपर मेंशन रहता है या फिर आपके पासबुक, बैंक पासबुक के ऊपर भी आईएफएससी कोड दिया रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करके यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको कुछ हेल्प्स लगता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, किस तरह से आपको इशू है, ये इशू के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इनसे हेल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अभी ये साइड में जो लोन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं लोन के ऊपर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है, मैं यहाँ पे एक अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं 3,000 सिलेक्ट कर लेता हूँ 7 डेज़ के लिए, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ करता हूँ, ठीक है। मैंने जो आपको अभी जो डिटेल्स बताया था वही सेम डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। मैं ये सभी डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करके नेक्स्ट किया, यहाँ पे एक सेकंड स्टेप आया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे है जो आपको कंप्लीट करना है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको कंप्लीट करना है, और ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है। ये सभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पे आपके आपके डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है। योर डॉक्यूमेंट में अभी क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो अपलोड योर पैन कार्ड, आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड अपलोड करना होता है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको उसे नेक्स्ट करना होता है। तो मैं अभी यहाँ पे पैन कार्ड इसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ से ओटीपी भी आएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। मैं अभी इसे थोड़ा स्किप करता हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड, उसके बाद में आधार कार्ड आप जैसे अपलोड करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। तो ये आपको स्टेप समझ गई होगी फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करना है। ये फर्स्ट स्टेप आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स जो सेकंड स्टेप है ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपके कंपनी का नाम, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पिन कोड, जहाँ पे आपका ऑफिस है वो ऑफिस का पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी, आपकी कितनी मंथली सैलरी, वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे करंट एड्रेस, ये भी यदि आप आधार कार्ड के एड्रेस पे रहते हैं तो ये ऑटो फिल कर लेंगे, यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे वो एड्रेस आ जाएगा। यदि कुछ चेंजेस है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली फिलअप करना होगा, ठीक है। आपका पिन कोड, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, सिटी, ठीक है, और उसके बाद में आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस, आपका खुद का है, रेंट से रहते हैं, सभी डिटेल्स फिलअप करके आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आपको देना है आपके एक फैमिली मेम्बर का, ठीक है, फादर, मदर, स्पॉस और ब्रदर, सिस्टर, यहाँ पे जो भी है इनका आप यहाँ पे नाम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पे उनका नाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे रिलेशन आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड फैमिली मेम्बर का रेफरेंस, उसका नाम, उसके बाद में यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर,
ठीक है, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट स्टेप करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट वो आपको फिलअप करना है कि यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ फाइल सबमिट करना है। यहाँ पे देख लीजिए, अपलोड योर लास्ट 3 मंथ सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन पीडीएफ, देर आर 2 वे फॉर एंड्रॉयड बट द आईओएस ओनली कैन यूज ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप आपके गैलरी में से भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट, लेकिन वो आपको पीडीएफ में डालना है। यदि पीडीएफ को पासवर्ड है तो आपको पासवर्ड भी यहाँ पे मेंशन करना है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आधार कार्ड के ऊपर आपके ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आप यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, आपका एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपके फैमिली के मोबाइल नंबर और नाम फिलअप करना है, और यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शनल में यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको फिलअप करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में यहाँ पे आप जहाँ पे काम करते हैं फ्रेंड्स उनका पिन कोड, कंपनी का नाम, उनका एड्रेस, ठीक है, ये दोनों जगह पे आपको एड्रेस है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पर मंथ सैलरी कितना आता है, आपकी जॉइनिंग मंथ एंड ईयर, ठीक है, आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपका ऑफिस मेल, आपका ऑफिस नंबर, ठीक है, और आपको यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आपका ऑफिस आईडी भी अपलोड करना है, फ्रंट और बैक साइड दोनों। ठीक है, इस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको फिलअप करके सबमिट करना है, लेकिन ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, आप इसे फिलअप कर भी सकते हैं और आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन का आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे डिटेल फिलअप कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे स्लिप, पे स्लिप के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको पे स्लिप चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है कि आप प्लीज़ अपलोड द लेटेस्ट मंथली पे स्लिप इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जैसे ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट कर देते आपको एक एलिजिबल अमाउंट यहाँ पे पता चल जाएगी। आपने स्टार्टिंग में तो सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे 3000 चाहिए 7 डेज के लिए, लेकिन आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ से अभी जैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये ऐप्स काम करता है। यदि ये आपको ऐप्स अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे डाउनलोड करके आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लाख तक के लोन ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से ये ऐप्स काम करता है। मैंने आपको एक एज अ तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अभी तक कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाजू में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो चलो गुड बाय।